कैन नॉट सिट एनी वेयर बिकॉज यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, सुकून नहीं है भाई, अगर बैठ गए सेगमेंट कैसे करेंगे? ये मुझे जीने देते हैं, अभी थोड़ी देर में ये शरारत शुरू कर देंगी, फिर ये शरारत शुरू कर देंगे, ऐसे कर देंगे, हाँ इसको प्यार करना है, इसको मारना नहीं, और जो वो कहाँ कहाँ मुझे बैठने देता है। आज जो है वो जितने भी बच्चे माशाल्लाह जुम्मा बाजार देखें आप तिरौनक, जितने बच्चे हमारे साथ बैठे हैं और जो भी अपने घरों में बैठे हुए देख रहे हैं अपने अम्मी अब्बू नाना नानी खाला मामू मानी सबके साथ, उन सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों जी, शाबाश शाबाश, खैरियत से हम? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने ना आज मैंने रिक्वेस्ट किए सैयद हसान भाई से, हसानुल्लाह हसान साहब से, हसानुल्लाह हुसैनी से, कि वो भी आए। वो एक नात मेरी बहुत फेवरेट है, एक नात तो नहीं मतलब कलाम है, मुनाजात है, वो याद है आपको, वो हम अक्सर पढ़ते भी हैं, मैं बंदे आसी हूँ, इन्होंने पढ़ी वो। मैंने कहा कि आज हमें सेगमेंट के आखिर में आप सुनाएं वो, ठीक है ना। इनकी एक और नात भी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो मदीना छोड़ आए हैं, लेकिन बंदे आसी हूँ तो मुझे बहुत ही पसंद है, तो आज हम सेगमेंट के आखिर में तो सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, क्या हाल है, माइक लीजिएगा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। ये कितना टाइम हो गया ये कलाम पढ़े हुए बंदा आसी? तकरीबन दो साल हो गए। दो साल हो गए जी। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह इसके इसको कितने लोगों ने देख लिया है? अभी 90 मिलियन लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह 90 मिलियन लोगों ने, माशाल्लाह क्या बात है। और आप जब पढ़ रहे थे तो आपको अंदाजा था कि इतना मकबूल हो जाएगा? माशाल्लाह नहीं रहा है ना दादा जी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। मैं बड़ा, मैंने आपको बताया भी ऑफ़र भी कि मैं फ़ैन हूँ आपकी इस पढ़ाई का, तो सलामत रहिए। आपसे ज़रा मैं सेगमेंट के आखिर में ज़रा इसके दो अशार सुनते हैं, लेकिन ये बच्चों से तो मैं बात कर लूँ वरना कहाँ मुझे जीने देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक। कैसी हैं? ठीक हूँ। मैं कैसा हूँ? ठीक है। नहीं रखा ला? नहीं रखा ला तो मैं घर में नहीं है। फाद मामू? फाद मामू है। नानी के घर गए हैं। कब वापस, कब तक आ रहे हैं? रात तक आ जाएंगे वापस? रात में नहीं, मेरे बाबा हज पे गए तो बहन हम ना नानी के गए, वो हमारे घर नहीं आते लेकिन नानी के ही आते हैं। नेहरा खाला तो ठीक है ना? हाँ। उमर क्या कर रहा है आज मैं बाहर मोबाइल देख रहा है। अच्छा मोबाइल देख रहा है? हाँ, सोते वक्त भी उन्हें तम्मी मामी मोबाइल दे ही देती है। हाँ, जरा उमर को समझाना कि मोबाइल नहीं देखें, वसीम अंकल ने मना किया है, ठीक है? हाँ मामा ने उन्हें मोबाइल वाले अंत दिखाई, बिल्कुल मोबाइल नहीं इस्तेमाल करने देना, क्या ना वसीम अंकल ने सख्ती से मना किया, ठीक है? वेरी गुड, इंशाल्लाह 3 दिन और सारे खानदान का नाम हमें मालूम हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं, एक एक का मालूम करेंगे, एक एक का। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? उजाला। है उजाला? उजाला एक होता है, उजाला का ऑपोजिट क्या होता है? एक होता है उजाला और उसका ऑपोजिट क्या होता है? मुझे पता है। बताओ। अंधेरा। अंधेरा, अंधेरा यानी डार्कनेस और उजाला यानी रोशनी, ब्राइटनेस, ब्राइट करें इसे। बिल्कुल सही आपका जवाब। और आप ठीक हैं, खैरियत से? जी। रोजे रख रही? थोड़े से रख लें, जितनी हो जितनी देर रख सकें ना उतनी देर रख लें, शुरू करें सुबह जितनी देर रख सकें रख लें, फिर जब बहुत भूख प्यास लगने लगे तो अपनी अम्मी को बता दें, सही है ना? कल ट्राई कर लें। सारे बच्चे जो देख रहे हैं ना जो भी रोजे नहीं रख सकते छोटे हैं, तो ये एक मशवरा ये है अपनी अम्मी अब्बू से पूछ के कि आप रोज़ा रखें, सुबह उठें सहरी करें और रोज़ा रखें, कोशिश करें कि आपने रोज़ा कंप्लीट करना है, अभी तो वैसे भी थोड़े से ही रह गए, लेकिन अगर कंप्लीट नहीं भी कर सकते जब बहुत भूख प्यास लगे अम्मी को बता दें, लेकिन तो फिर अम्मी फैसला कर लेंगे कि आपने पानी पीना है या, लेकिन रख लें 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे 6 घंटे जितना हो सके, ठीक है भाई? ये ज़रा इनको भी रखवाएं ज़रा ये, हाँ ये जो है ना, तालियाँ किस बात पर हो रही हैं? ये तो पूरे पूरे वाकई में जी जी। कितने हो गए इसके? 6-7 हो गए। नहीं भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतने सारे रोजे हो गए जी? पूरे पूरे जी। दिन में पानी भी नहीं पिया? नहीं। पानी पीने से रोजा टूट जाता है जी? थोड़ा सा पी लो तो भी टूट जाता है जी। और रोजा रखते हैं तो अल्लाह मियां खुश होता है या नाराज होता है? खुश होता है। सवाब मिलता है या गुना मिलता है? सवाब मिलता है। जन्नत मिलती है या जहन्नम मिलती है? जन्नत मिलती है। तो इंशाल्लाह हम सब जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वाह 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 वाह। आज
अब एक सवाल पूछूंगा जिसका मुझे पता है ये जवाब भूल चुका होगा, मुझे पता है, आराम से खेलने दो। ये बताएं अभी कोई हेल्प नहीं करेगा अबू बकर, ठीक है, अभी नहीं आता होगा, मुझे पता है। फातिमा, अभी मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा, इसका जवाब इनको नहीं आता होगा, हालांकि बताया था मैंने लेकिन भूल गए होंगे। पता है मुझे रमजान के कितने अशरे होते हैं? नहीं सर। देखा, पता था मुझे, सात अशरे। मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ, रमजान के तीन अशरे होते हैं या पांच अशरे होते हैं? पांच। तो, तीन। जाहिर है जब पांच नहीं तो तीन ही रहेगा ना फिर, तो अब याद रहेगा ये, कल दोबारा पूछूंगा। कितने होते हैं रमजान के अशरे? कितने होते हैं? तीन होते हैं, ठीक है। और आज दूसरा अशरा खत्म हो रहा है, दूसरा अशरा खत्म हो रहा है। रमजान के होते हैं तीन अशरे। अबू बकर साहब, रमजान का पहला अशरा किसका होता है भाई? रहमत का होता है पहला अशरा, फर्स्ट 10 डेज रहमत के। दूसरा अशरा किसका होता है? मगफिरत। सेकंड 10 डेज मगफिरत के। इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट 10 डेज में रहमत है तो बाकी भी रहमत खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन रहमत, खास रहमत, फिर नेक्स्ट 10 डेज मगफिरत के। आज मगरिब की अजान होगी, दूसरा अशरा खत्म, आखिरी अशरा शुरू, फिर कौन सा अशरा शुरू हो जाएगा? जहन्नम से निजात। जहन्नम से निजात। हम सब चाहते हैं ना कि हम जन्नत में जाएं, कोई भी जहन्नम में जाना तो नहीं चाहता ना भाई, हम सब क्या चाहते हैं कि हम जन्नत में जाएं या जहन्नम में जाएं? जन्नत में जाना है ना। तो अब जो रमजान का अशरा शुरू हो गया है वो जहन्नम से निजात का अशरा है। तो सब कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा इबादत करें ताकि हम सब कहां पर जाएं, जन्नत में या जहन्नम में? इंशाल्लाह से, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हाँ, वेरी गुड भाई, जबरदस्त। ये एक बच्चा फातिमा, ये आपके साथ है ये बच्चा? कौन है ये? नहीं पता, पूछो। बात करो ये क्या पहन लिया इन्होंने सर पे क्या पहना हुआ है इन्होंने? टोपी। इधर आ। अस्सलाम वालेकुम। इधर आ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हसान। हसान, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मेरी आनी ने बोला। हाँ, आनी ने क्या बोला? हदबी बनना। तो आपने पढ़ ली? आनी ने बोला हसबी रबी। तो आपने पढ़ ली? क्यों नहीं पढ़ी? तो कल पढ़ी थी। कल पढ़नी थी? आनी ने क्या बोला था, कब पढ़ना? हमारी डांटेंगी तो नहीं? डांटती तो नहीं है ना? थोड़ी सी पढ़ दो, अभी पढ़ दो अब। हसबी रब्बी जल हबी चल्ला माफी कर भी हयो नूर के हम्मत सल्लल्ला लाइला का इल्लल्ला। वाह वाह, हाथ मिलाए मुझसे भाई, क्या बात है। अब आनी खुश होंगी? हाँ, आनी खुश हो गई भाई। चलो भाई, ये ठीक हो गया, सिम भाई टेंशन खत्म हो गई भाई जी। आनी खुश हो गई, टेंशन खत्म हो गई ये। अरे इधर तो मैं हसानुल्लाह साहब, ये जो है ना हमारे बड़े सारे खास मेहमान हैं और जो है ना मुझे इनके साथ बहुत मजा आता है, मैं इनके साथ बहुत फन करता हूँ। हाँ भाई हैं। मैं एक क्या क्या सुनाएंगी बता दें डॉक्टर साहब, इनसे क्या 5 घंटे का सेगमेंट? नहीं कुछ और भी प्लीज। पहले कहानी, फिर नाच, फिर सलाम दुआ, फिर टेलीफोन नंबर, और भी कुछ। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ, सलाम की। अच्छा, कौन? नहीं, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कहानी में से ही सवाल। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने, तो मुझे पता लगेगा ना आपने कहानी का रट्टा मारा है, याद किए सही से। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस चीज के पेट में, किस चीज के अंदर गए थे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम? आपने बताना। मछली के पेट में। अरे बिल्कुल सही जवाब, वाह वाह वाह, मछली के पेट में। वासिम भाई पूछे था कौन सी मछली? कौन सी मछली है? बड़ी वाली मछली ना? हाँ, वेल। और वेल मछली बहुत बड़ी होती है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, आपने इसका मतलब कहानी सही याद की है। अरे भाई, हमारे साथ हमारी खुसूसी मेहमान भी आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक हूँ। आप सुना दें भाई, उस दिन आपसे हम, उस दिन इन्होंने कहा वसीम भाई ब्रेक के बाद का, मैं आपके लिए शेर लिख कर आई, याद करके आई, आपने सुना ही नहीं। आज सुना दे भाई, आज शेर सुना दे भाई। हाँ
आपके लिए, मेरे लिए, मेरे लिए आप कह रही थी, वो सुना दो कौन सा है वो शेर डॉक्टर साहब जी? सुना है इनको सुखन के उसूल आते हैं, सुना है इनको सुखन के उसूल आते हैं, बात करे तो बातों से फूल आते हैं, सुना है उनके समझाने में इतनी मिठास है कि बुखार भी हो तो बच्चे स्कूल आते हैं। वाह 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 वाह। मैं डॉक्टर साहब डर गया अचानक, मुझे लगा ये तो नहीं मेरी तारीफ होते होते कुछ और ही काम हो गया। नहीं भाई वाह वाह जबरदस्त। नो अभी आप ही से सुनेंगे पहले। हाँ भाई क्या सुनाएंगी, क्या सुनाएंगी आप हमें, कोई नाच सुनाएंगी? मैं बोल भाई का एक शेर सुना दूं? शेर सुना, चलो शेर सुना दो, ठीक है। कसीदा बरदा का। अच्छा सुनाते सुनाते सुनाते। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्की कुल्लिहिम। मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। ये दरबार रिसालत है, यहाँ अपनों का क्या कहना। वाह वाह। ये दरबार रिसालत है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया। सबको याद है ना कसीदा बुर्दा शरीफ, सब मिलके एक लाइन पढ़ेंगे। लाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन आला हबीबिका खैरुल खल्की कुल्ली। भाई सबसे अच्छी ना, क्या बात है भाई, वाह 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 जबरदस्त। खड़े होके तालियां। हां गुड आईडिया भाई अहमद, खड़े होके तालियां बजाएंगे अपने स्पेशल मेहमान के लिए। वाह 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 वाह, क्या बात है जबरदस्त भाई। आप खुश हैं ना भाई? डॉक्टर साहब ये गई थी पीटीवी में ट्रांसमिशन में, अभी सुनता हूँ, इन्होंने कहा कि मुझे वसीम भाई के पास जाना है। हमने कहा मुझे क्लिप मिल गया, मैंने वो क्लिप देखा कि आपने आपने उस क्लिप में कहा कि मुझे जाना है वसीम मदानी के प्रोग्राम में। हमने कहा बिल्कुल हाजिर, ठीक है थैंक यू सो मच। अभी आप बैठिए जरा और आपसे आप आइएगा हमारे पास, ठीक है? बहुत सारी भाई तालियां एक बार फिर हो जाए, क्या भाई ये नाराज़ हो जाएंगी मुझसे, इनसे कुछ सुन लो वरना ये नाराज। इधर 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 एक पहले वो नाराज़ हो जाती थी बात बात पर, अब ये ना इधर 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 क्या मुश्किल क्या है, क्या है मसला? एक अच्छी सी नात सुनाओ। अच्छी नात तो होती अच्छी है। सुनाती फासे सुनाती हूँ पूरी शुरू। मैंने नहीं कहा लुफ़ा हम से आ गए। सुभान अल्लाह। हम भी बेबस नहीं बेसहार, जाएंगे हम उन्हीं को पुकारेंगे, हम दूर से अल्लाह। क्या बात है, इतना तो ये ना ये जो चश्मा पहना है ये सनग्लासेस है या वो असली वाले? अब वो आपको आईज वीक है, सनग्लासेस। हाँ ना सर, मैं जरा पहन सकता हूँ एक मिनट? हाँ दिखाएं दिखाएं। अब देखें मैं सनग्लासेस पहनूंगा और ऐसा हीरो लगूंगा मैं। पहले मुंह उधर करें फिर मेरे हाँ, करेंगे फिर। और जब मैं मुंह इधर करूंगा ना तो मतलब लोग हैरान हो जाएंगे कि यार इतना स्मार्ट पहनता। 3-2-1 कहें ताकि मैं मुंह उधर करूं। हां 1 सारे बच्चों को मैं गिफ्ट देता हूँ लेकिन सब मेरे साथ जो है वो ये करते हैं, सब हंस हंस आप भी ऐसे ये ऐसे नो प्रॉब्लम साइलेंस इन द क्लास, कोई नहीं हंसेगा। कैसे बच्चे हैं भाई ये, आप पे अच्छे लग रहे हैं भाई, वेरी गुड, आपके लिए तालियां बजा दें भाई। वसीम भाई मॉनिटर।
मॉनिटर तो ये। अरे भाई मॉनिटर क्या देखें भाई, आज जो है ना वो इससे पहले कि हम हसन भाई से नाच सुने, मैं उनसे सुनूंगा, मैं बंदा यासी हूँ, मेरी फेवरेट नाच। इससे पहले देखें ये गिलहरी, गिलहरी किधर है भाई? हेलो गिलहरी, इसके अंदर ही है ना। हाँ ये देखें, आज ये हमारे पास आई हुई है गिलहरी। ये इतना तेज जंप करते करते जाती है, इतना तेज, और ये ना अपने, अगर इसको धूप लगे ना, मेरे पास एक खासियत है। वो क्या, वो क्या? ये इंसानों के साथ जल्दी फ्रेंडली हो जाती है। यस, और क्या है? और इसकी वजह से ज्यादा ये उसके पेड़ उगते हैं। यस यस यस। और पता है क्या, कभी इसको धूप लगे ज्यादा तो ये अपने दुम से साया कर लेती है धूप, और ये खाना जो है ना जमीन में अलग अलग जगहों पे स्टोर कर देती है, और फिर भूख लगे तो वहां से निकाल के खा, और मेमोरी लॉस भी होता है इसको, भूल भी जाती है, खाना खा के भूल जाती है। लेकिन ये तो मैं भी भूल जाता हूँ, ये तो कुछ करना पड़ेगा इस बात का। भाईजान जरा डेटॉल से हाथ धुलवाएं, क्योंकि डेटॉल से हाथ धोना बहुत जरूरी है, डेटॉल स्किन केयर दे पिंपल्स फैलाने वाले जर्म से हिफाजत, महक की खुशबू के साथ, क्योंकि ब्यूटीफुल स्किन है जर्म फ्री स्किन। और बच्चा पार्टी के गिफ्ट हैंपर्स हैं आप सारे बच्चों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, बच्चा पार्टी का भी। अब हम सुनेंगे दो शेर हसन भाई से, मैं बंदे आसी हूँ खता कारू वाला के, ठीक है? आ जाओ यार उमर कलाम भाई, आज सुनाए सुनाए सुनाए, बिस्मिल्लाह, आइए नीचे बैठे। फिर तू मेरे माँ तवानाई अता कर, फिर तू मेरे माँ तवानाई अता कर, बरसों सदियों से मैं बीमार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, एक तेरा इशारा हो रसा भाई। बाबा क्या कहने, सब मिलके एक दफा सुभान अल्लाह कह दे भाई, क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं भाई, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सलामत रहिए। और ये इतनी प्यारी सी प्रिंसेस बैठी हुई, इनसे तो बात ही नहीं हो सकी ब्रेक पे जाने से पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक। क्या नाम है आपका? माहीन। माहीन क्या करती हैं आप? स्कूल जाती हैं। स्कूल जाती हैं आप? शाने रमजान में आपको मालूम है कि अब 20 रोजे मुकम्मल हो गए, सो कल से आखिरी अशरा शुरू हो रहा है। Yes. So, अब हम सारे बच्चों को क्या करना चाहिए आखिरी अशरे में? कुरान पढ़ना चाहिए। सो आप भी प्रॉमिस करें और सारे बच्चे कि रमजान का आखिरी अशरा है, कुरान छबे कदर आने वाली है, तो सब कुरान पढ़ेंगे जितना हो सके। ये प्रॉमिस हो गया भाई? Yes. पक्की बात जी। आपका भी प्रॉमिस हो गया? जी। पहले प्रॉमिस तो कर लो मुझसे। मैं नहीं कह रही, पहले प्रॉमिस करो। कुछ कह रही नहीं, पहले प्रॉमिस। आपको भाई देखो ये किसी दिन छापा ही ना मार दे भाई। बाबा जबरदस्त, सारे बच्चों ने कमाल कर दिया, आ जाए सेल्फी लेते हैं ताकि फिर हम जाएं एक ब्रेक पे। आ जाए भाई सारे बच्चे, आ जाए, आइए 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 आइए। हाँ जी, ब्रेक के बाद, हाँ ब्रेक के बाद पोयम भी सुननी है, ब्रेक के बाद पोयम सुनिए, सही है, ब्रेक के बाद पोयम का काम, ठीक है? आ जाए भाई, 3 2 1 हियर वी गो, से मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। वाह वाह वाह, शाबाश। जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर, दूसरे अशरे की आखिरी इफ्तार सजाए बैठे हैं आप सब लोग अपने घरों में। शहर रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह आबाद है, और बस कुछ लम्हात बाद हम बाकायदा तौर पर तीसरे अशरे में दाखिल हो जाएंगे, शबे 21 रमज़ान में दाखिल हो जाएंगे। शबे 21 रमज़ान की मुनासबत से खुसूसी नशरियात भी होगी, जिसका आगाज़ होगा रात 1 बजे। आज जो हमारी सहर नशरियात है रात 1 बजे शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। अहलियान लाहौर वक्त इफ्तार हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। लाहौर और उसके मज़ाफात में अजान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, रहमतों बरकतों नेमतों के नुज़ूल का सिलसिला जारी है। शहर रमज़ान आबाद है।
शान रमजान लगाए रखिए।